सवाल कुछ ऐसा है, एक सिस्टम है फिगर में जो दिया हुआ है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है क्या? अच्छा अच्छी बात है भाई, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑन द पुली। अच्छा कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है ओके, अज्यूमिंग पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ठीक है। एफबीडी बनाना शुरू करते हैं, तो जो 3 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है ना, उसका देखो एफबीडी अगर तुम बनाओगे तो कैसा बनेगा। 3 kg वाला जो ब्लॉक है ना, ये इधर मान लेते हैं उस पर लग रही है T1, इधर मान लेते हैं उस पर लग रही है T2, समझे? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं बना रहा, बैलेंस्ड है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस तरफ है A1, ए है मान लेते हैं, सभी का एक्सेलरेशन एक ही रहेगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम लोग ए है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लेते हैं ए है, ठीक है ऐसा। अच्छा अब जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका मामला कैसा रहेगा, ये हो गया तुम्हारे पास T2, ये हो गया उसके पास 20, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है, ये वाला मैंने बोला T2, ठीक है, ये वाला T2 ऐसा, ये वाला मैंने बोला T1 और ये वाला मैंने बोला T1 ऐसा। अब जो 1 kg वाला ब्लॉक है उसका देखो कैसा बनेगा एफबीडी, ये हो गया 1 kg का ब्लॉक, ये हो गया 10, ये हो गया T1 ऐसा। एक्सेलरेशन मार्क करो दोनों के, 1 kg वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ हो गया एक्सेलरेशन और 2 kg वाले ब्लॉक का नीचे का हो गया एक्सेलरेशन ऐसा। मेरे ख्याल में कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें मार्क कर ली है। बहुत ही टुच्चे किस्म का सवाल है ये, है ना। तो 3 kg वाली ब्लॉक के लिए, लेकिन हाँ बोलो, हमने को तो पता ही नहीं कि ब्लॉक हिल भी रहा है कि नहीं। हाँ तो हम लोगों ने जो ए माना है, स्मॉल ए एक्सेलरेशन जो माना है, वो हो सकता है 0 आए, हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर ए 0 आ रहा है इसका मतलब ब्लॉक्स नहीं हिल रहे हैं, ए पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शंस मानी है वो सही है, ए नेगेटिव आया इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शंस मानी है वो गलत है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ ठीक है अच्छा, अब 3 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशंस लिखो। जो मेरा इस चैप्टर में मेन काम है, किसी सवाल को बनाने में जो मेन स्टेप इन्वॉल्व होगी, जिस स्टेप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सवाल के सही होने की, वो स्टेप है एफबीडी बनाना। क्या मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि 95% काम तुम्हारा एफबीडी बनाना है? हाँ तो 95% काम तुम कर चुके हो, ये जो काम है दिस इज 95% वर्क। इसके आगे 4% काम है तुम्हारा कैलकुलेशंस, वो इक्वेशंस लिखना, उसके बाद 1% काम है उसको सॉल्व करना बस। तो यहाँ देखो 3 kg वाले ब्लॉक के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, ये हो गई पहली इक्वेशन। 2 kg वाले ब्लॉक के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 20 - T2 इक्वल्स टू 2A, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। और T1 - 10, ठीक है, इक्वल्स टू 1A, तो उसको लिखूंगा मैं A, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। इस प्रकार मैं 3 इक्वेशंस लिख लूंगा अपना, ठीक है। इस प्रकार FBD से 3 इक्वेशंस मैं लिख लूंगा। और अब मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं, T1 T2 और A, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, कौन रोक सकता है बताओ मेरे को वैल्यूज निकालने से, है? कौन रोक सकता है? तो क्या करो, T1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, T1 की वैल्यू है 10 + A,
फ्रॉम इक्वेशन 3। T2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 - 2A फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे ही दोनों को उठा के पटकोगे इक्वेशन 1 में, T2 - T1, ये सब बहुत ही आसान कैटेगरी ऑफ सवाल है, अभी अच्छे सवाल आने के हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 है ना -3A = 3A, इसका मतलब A की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 10/6 m/s² समझ लिए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पहला आंसर। हम लोग जो माने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एकदम सही माने, दूसरा ब्लॉक्स रेस्ट पर नहीं है। पूछा क्या क्या है उसमें, कैलकुलेट द टेंशन है ना, टेंशन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑन द पुलीज। रुको आते हैं उस पर भी, बोल बच्चन पर आते हैं उसके, ठीक है। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 की वैल्यू आएगी 10 + 10/6, 70/6, इतना न्यूटन। T2 की वैल्यू आएगी 20 - 2 A, कितना हो गया, 50/3 न्यूटन, ये हो गए तुम्हारे आंसर्स, ठीक है। T1 और T2 की वैल्यूज तो आ गई अपने पास, ठीक है, T1 और T2 की ये वैल्यूज रहेंगी। अच्छा अभी देखो उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, निकाल लिए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया से निकाल लिए। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑन द पुलीज, ठीक है। तो यहां देखो तुम, पुली का अगर तुम FBD अगर बनाकर देखो, तो ये देखो पुली पर ऐसी फोर्सेस लग रही हैं, ऐसा ऐसा, समझ गए। मैं पूरा फिर से बना देता हूँ, यहाँ देखो जो अपना है ना, ये ऐसा है कुछ मामला, तो यहाँ देखो जो टेंशन है वो इस पर ऐसा ऊपर की तरफ लग रही है, ये T2 बोलो इसको, और ये पुली पर ऐसा नीचे की तरफ लग रही है, वही सेम T2 ऐसा। फिर यहाँ सिंगल स्ट्रिंग, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यहाँ लग रहा है T2 और ये लग रहा है T2 ऐसा, समझे। फिर दूसरा स्ट्रिंग देखो तुम्हारे पास, ये हो गया T1, ये हो गया T1, ये हो गया T1 और ये हो गया T1 ऐसा, T1 होगा क्या, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाकर दिया है और जो टेंशन मार्क की है उसमें अगर किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो बताए पहले। जो तुम्हें डायग्राम मार्क करके दिया गया है उसमें अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताओ पहले, क्या हो गया 2 kg, ठीक है। कोई डायग्राम जो मार्क करके दिया गया है उसमें अगर कोई परेशानी है तो बताओ, अच्छी बात है। अब देखो P2 का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्या ये बनेगा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, पुली पर लग रही है ना फोर्सेस स्ट्रिंग की वजह से, तो ये कितना है अपने पास सिमेट्रिकल, अगर मैं मानूं ये दोनों फोर्सेस लग रही है करके अपने को जो डायग्राम दिया है, तो उस हिसाब से T2 और ये वाला T2 का जो रिजल्टेंट बनेगा कितना हो जाएगा, √2 T2। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, ठीक, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली √2 T2। T2 की वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी, ठीक है, तो ये है फोर्स जो स्ट्रिंग लगा रही है पुली P2 पर, कोई दिक्कत है तो बोलो।
कोई परेशानी है तो बताओ। इन अ सिमिलर फैशन तुम ये बोल सकते हो कि जो P1 पर जो फोर्सेस लग रही है वो ये है, ये T1, ये T2, सॉरी ये भी T1। स्ट्रिंग की वजह से तो पुली P1 पर जो फोर्सेस लग रही है वो ये समझे, वो ये फोर्सेस, ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑन P1 बाय स्ट्रिंग, समझ गए, ये फोर्सेस बनी उस पर √2T1। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ अगर पूछना है तो बोले। ठीक है, अच्छी बात। ये 15वां सवाल हो जाता है अपना, ठीक है।